बस मैंने कह दिया मैंने उस बुड्ढे से बिल्कुल शादी नहीं करनी। अरे गुस्सा थूक दो जी साहिदा। अरे मेरी बहन अभी तक वो बात दिल पे लेके रखे हैं तुम। मैं आई हूँ जी तुम्हारे से माफी मांगने के वास्ते। एक बात बताइए, आप जो इतनी मीठी बन रही है ना, मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। दाल में काला नहीं है, दाल में हीरा है। ये पहनो तुम अंगूठी, बड़े साहब जो हैं ऐसे प्यार से बनाए हैं तुम्हारे वास्ते। अरे भाई असद कह रहे थे अपनी कि नजमा बहन से पूछ रहे हैं। भाई मैं उससे पूछ रहा था कि मैं अपने बाल डार्क ब्राउन करूं। आई अब आप बाल रंगाओ नहीं रंगाओ, लाल बना लो बिल्लू बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ मालूम, जाहिदा हाँ कर दिया आपके वास्ते। आओ ये दर्द रोज की तरह। बस कुछ ना पूछे भाभी जान, याद नहीं है पिछली बार कासिम के डैडी से कितनी बदतमीजी की थी बिल्लो ने, याद नहीं है आपको? इस दफा मैंने कहा मैं भाईजान के घर जा रही हूँ तो आप भी चलो, तो कहने लगे नहीं भाई नहीं तुम जाओ मैं तो नहीं जा रहा। मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ कि बिल्लो ने उनके साथ बहुत बदतमीजी की, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने उसे डांटा था ना और मैंने माफी भी मांग ली थी उनसे। हाँ माफी मांग ली थी आपने, इसीलिए तो आई हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम बबन खाला। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम कहिए बुबली। ये अम्मी ने मिठाई भिजवाई है। अरे ना 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 आप ना खाइएगा, आप जानती नहीं है ये नजमा हैदराबादन जादू टोने करती है, ये ऐसी चीजें ना जादू टोने करके खिलाती है आपको। बेटा ये किस बात की मिठाई है? डॉली के ससुर की बात पक्की की है अम्मी ने, उस चीज की मिठाई है, खाइए प्लीज। किसके ससुर की बात पक्की कर दी? डॉली के ससुर की बात पक्की की है अम्मी ने। डॉली के ससुर की बात? जी डॉली के ससुर की बात अगर पक्की कर दी तो ये नजमा हैदराबादन का क्या ताल्लुक है इसमें? बेटा अम्मी को शुक्रिया कह देना। जी और हाँ, नजमा ने ना हरा धनिया मंगवाया था, तुम ऐसा करो बबली से कहो फ्रिज में से निकाल के दे देगी। ठीक है बबन खाला, मैं ले लेता हूँ। भाभी जान मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, नजमा का क्या ताल्लुक है? क्या बात पूछ रही हो? अरे यही तो पूछ रही हूँ कि नजमा हैदराबादन का क्या ताल्लुक है डॉली के ससुर से? अरे भाई वो दूसरी शादी कर रहे हैं। हाय मैं मर जाऊं। अरे कब्र में पांव लटका कर बैठा हुआ है वो बुड्ढा और उसको शादी की पड़ी हुई है। बुरी बात ऐसी किसी के लिए ऐसी बात नहीं करते, और शादी करना तो शरई अमल है, अल्लाह उनके निकाह में बरकत दे। हाँ अल्लाह उनके निकाह में बरकत डाले और आपको थोड़ी सी अकल दे। अरे बेटी की सास घर में आ रही है तो आप उनकी बरकत की बात कर रही हैं? अरे रुकैया इसी में डॉली की भलाई है। पहले वो सारे काम डॉली से कराते थे ना, लेकिन उनको हमेशा शिकायत रहती थी, लेकिन अब दूसरी बीवी आएगी तो सारा काम उन्हीं से कराएंगे। अरे भाभी जान आपकी अकल पे तो पर्दे पड़ गए हैं, डॉली पे काम का बोझ बढ़ जाएगा। अरे पहले एक फितना था अब दो फितने हो जाएंगे। बस मैं तो कहती हूँ रुकवा दे इस शादी को, वरना अपना सर पकड़ के रोएंगी आप। अभी कितनी डरपोक हो तुम? मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, ऐसे कोई अचानक से डराएगा तो चीख निकलेगी ना। इतनी जोर से तो कोई चीख नहीं मारेगा। अच्छा ये तो वक्त ही बताएगा। और तुम यहाँ क्यों आए हो? बबन खाला ने भेजा है, कह रही थी बबली खाना बना रही है, देख के आओ कैसा बनाया। अच्छा अभी अम्मी से पूछते हैं। अरे वो रुकैया पप्पी के साथ बैठे हैं, क्यों तंग कर रही हो? पप्पी जान आई हुई है तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ जाओ वो सवाल पूछेंगे निकलो। कोई कुछ नहीं कहता, रुकैया पप्पी के सामने भेजा उन्होंने। तो फिर क्यों आए हो? क्या बना रही हो? कीमा बनाया। खिला के तो दिखाओ।
जी नहीं, थोड़ा सा ही बनाया है घर वालों के लिए, तुम्हारी पूरी टोली के लिए नहीं बनाया, थोड़ा सा ही है। तो मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ, तुम्हारे घर वाला नहीं हूँ। कर दी ना फजूल बातें शुरू, कर दी ना फजूल बातें शुरू, कर दिए ना तुमने भी नखरे शुरू। प्यार से बात करो, तुम खिला दोगी तो क्या हो जाएगा दोने वाले। ये रोटी लो खाओ। ठंडी रोटी ऐसे खिलाओगी? ऐसे खिलाओगी तो मैं नहीं खाऊंगा। अब क्या हो गया? अपने हाथों से खिलाओ। पप्पू बदतमीजी नहीं करो। वो मैं बदतमीज? अपने हाथों से खिलाओ। मैं नहीं खिला रही। ठीक है फिर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अपने हाथों से खिलाओ और कहो पप्पू ये कीमा मैंने तुम्हारे लिए बनाया, खाऊंगा और चला जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। अरे रुकैया तुम्हें पता नहीं है कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तुम्हें नहीं पता उसने कितनी मुसीबतें सही हैं। वो तो शुक्र करो कि अल्लाह मियां ने उसको सबर बहुत दिया है। और असद वो अपने बाप की खसलत समझता है, वरना तो डॉली कब की यहाँ के घर में बैठी होती वापस। हाय मेरी सास तो एक लम्हे मुझे कासिम के डैडी के पास नहीं बैठने देती थी। मजलूम किया तो अर्श ला देती है, देख लो कैसे चुटकियों में मर गई वो। आज तक कासिम के डैडी को पता ना चल सका कि उसकी अम्मा को हुआ क्या था। अरे तुम कैसी बातें करती हो, तो तुम्हारी सास तो बेजरर औरत थी। हाँ अपनी बेटियों की दफा तो आप कह रही है कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है, और मेरी सास आपको बेजरर लग रही थी है? बस भाभी जान शुक्र करें कि मेरे जैसी नन मिल गई है आपको। होती ना कोई और नन तो ये कहती कि मेरे भाई की शादी करा दो, आप तो मेरे भाई को वारिस ही नहीं दे सकी। क्या हो गया पुप्पी आपको, ये वो जमाना नहीं है, बेटा और बेटी आजकल बराबर है। अरे बस कर, तेरे तो मैं मोहिनी लगना चाहती। भाभी जान मेरे भाई का नाम आगे कैसे बढ़ेगा है? बेटियों की शादियां करा रही है, डॉली के सुसर की शादियां करा रही है, मेरे भाई की शादी कराए ना आप। देख ले अम्मी पुप्पी जान की कैसी कैसी बातें हैं, ये फजूल बातें करती हैं ये, फिर आप कहती हैं कि मैं आगे से बोलती हूँ। तुम जाओ बिल्लो, तुम्हारे मैं मुंह नहीं लगना चाह रही। इनसे इनसे बोले कि ये यहाँ से जाएं, हमारा दिमाग ना खाए, फजूल बातें करती हैं ये। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है कासिम के डैडी मेरे साथ नहीं आए, वो तो मुझे पहले ही कह रहे थे कि इसको तो दौरे पड़ते हैं, इसको पागल खाने भिजवा दे आप। आप फिक्र ना करें पप्पी जान, वहाँ पे तो मैं आपको लेकर जाऊंगी। सही वक्त पे अगर पागल खाने आपको भेज दिया होता ना तो कम अज कम हमारी जान छूट जाती। ये नहीं बोल रही, ये नहीं बोल रही भाभी जान, ये आपकी तरबियत बोल रही है। अल्लाह जाने क्या जहर घोल रखा है आपने अपनी बेटियों के अंदर मेरे खिलाफ। अरे रुकैया तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो, मेरी ऐसी आदत नहीं, तुम तो जानती हो। अम्मी रहने दें आप, अगर आपको पता है कि हमारे दिल में आपके खिलाफ जहर है जहर, तो क्यों आती हैं आप यहाँ पे? हाँ अरे मेरे भाई का घर है, क्यों ना हो, 100 बार आऊंगी, कोई मना करके दिखा दे मुझे। अब वो आते हैं ना आज, फिर मैं देखती हूँ कि कैसे आती हैं आप। अरे बेटा बस करो, जाओ अपने कमरे में जाओ। देख लिया आपने, दस भर लंबी जबान है आपकी बेटियों की। चुप हो, बहुत बेटी, कुछ नहीं सिखाया आपने इनको, कैसे जबान चलाई है इसने मेरे सामने। पप्पू साहब मैंने आपके लिए अपने हाथों से कीमा बनाया, प्लीज खा लीजिए। बिल्कुल एयर होस्टेस लग रही हो तुम, बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ जैसे तुमने बड़े जहाजों में सफर किया है ना। सुना तो है ना। अच्छा खाओ और जाओ। बबली तुमने अभी तक पप्पू को हरा धनिया नहीं दिया, अभी तक खड़ा है यहाँ पे। बबन खाला कब से कह रहा हूँ धनिया दे दे, कह रही है पहले कीमा खा के देखो कैसा बना है, वरना बबन खाला ने डांटना है। जरूर इसने नमक तेज कर दिया होगा। अम्मी ये झूठ बोल रहा है, इसने तो चखा भी नहीं है कीमा। बबन खाला शक्ल से अच्छा नहीं लग रहा, लगता है बहुत कड़वा हो गया। बबली मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि ध्यान से काम किया करो, लेकिन पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। अम्मी आप इसकी बातों में आ रही, मैं कह रही हूँ ना इसने चखा भी नहीं है, झूठ बोल रहा है झूठा। बबन खाला मुझे धनिया दे दें, अम्मी इंतजार करिए मैं नीचे चला जाऊँ। अच्छा आओ तुम चलो मेरे साथ, मैं देती हूँ, आओ। आ रहा हूँ। कत्ल कर दूंगी। कत्ल करने के लिए तुम्हारा मुस्कुराना ही काफी है, छुरी की कोई जरूरत नहीं।
गुड्डू, ये देख यार, ये हसीब भाई के यहाँ पे हम आटा उठाते थे ना, तो वो मैं तो पैसे देता जाता था साथ साथ, वो कहते पैसे ही नहीं पहुँचे। जरा देख हिसाब में कहाँ पर गलती है। खालू इसमें तो नहीं लिखा है, आप मुझे दिखाएं रसीद कहाँ है। रसीदें तो कहाँ है, पुरानी बात है। खालू लेकिन आपने रसीद लगाई तो होगी ना, आपने खुद पैसे भेजे थे हसीब भाई को। हाँ हाँ, मैंने कासिम के हाथ भिजवाए थे। फिर आप ये रजिस्टर बंद कर दीजिए, आपने कासिम से पूछा? वो तो फोन ही नहीं उठाता भाई। उठाएगा भी क्यों, सारी गड़बड़ उसी ने की, पैसे अपने पास रख लिए। और खैर आप मुझे बताएं कितनी रकम है, मैं पहुंचा देता हूं। देख ले तू खुद ही हिसाब करके देख लेगी। यार क्या करूं, अरे बिल्लो तू किचन में क्या कर रही है? क्यों, मेरा किचन में आना मना है क्या? हाँ खाना पकाने से तो तेरी जान जाती थी ना, अब यहाँ खड़ी क्या पका रही है? स्पेगेटी बना रही हूँ। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। तेरे लिए नहीं बना रही, अस्पताल लेकर जाऊंगी। क्यों? एक बच्चा है ना चाइल्ड वार्ड में, उसकी सालगिरह है, तो मैंने उससे कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं अपने हाथ से बना के स्पेगेटी लाऊंगी। हम जो अच्छे ना तुम्हारे चाइल्ड वार्ड के बच्चे, जो तेरे हाथ का खाना खाने को भी मिलता है। तुझे पता है ना मुझे कुकिंग का कोई शौक नहीं है। मुझे बोल देती मैं बना लेती। अरे नहीं, उस बच्चे से मैंने वादा किया था कि अपने हाथ से बना के लेकर जाऊंगी। अरे तू चलना मेरे साथ, किसी दिन चाइल्ड वार्ड में सारे बच्चों से मिलवाऊंगी। पता है उनके मासूम सवालों में इतनी गहराई होती है कि तू सोच में पड़ जाएगी। कर दे जरा मसाले लगा। यही को बोली थी, इसमें चिकसा हल्दी बराबर डालो और चमेली के तेल में घोलो। क्या तो भी बना दिया धमड़ी पुट्टी। चलो शुरू करो, देख रहे क्या खाओ भाई, मामू है तुम्हारे ये। अरे नजा बहन, आपकी वजह से लगवा रहा हूँ ये सब, वरना तेल कौन सा बताया आपने इसमें? हम लोग का चमेली का तेल डालते हैं हाशिम भाई जान। चमेली का तो पता नहीं, सरसों से लड़ रगड़ो बेटा, ऐसा रगड़ो। अरे मैल उतार, सब काला रंग निकालो इनका। हाँ क्या दोपहर को रोटी नहीं खाई? हाँ। हाशिम भाई ना अच्छा रूप चढ़ा जी आपके ऊपर। अरे गर्दन छोड़ेगा लगाओ। अरे क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे भिदक रहे जी, दूल्हा है आप दूल्हा। आई तो कुर्बानी का बकरा तो नहीं हूँ। आई नहीं जी, ऐसा सब करना पड़ता ना, ऐसी थोड़ी शादी हो जाती। हाशिम भाईन आप समझो ना, आपकी जो बहन खत्म हो गए ना, उनकी जगह मैं आ गई, अब मैं ही जो आपकी बहन हूँ, है ना प्यारी बहन। जीती रहो। देखो आपकी आल औलाद कोई नहीं है आमने सामने, देख रहे मेरे बच्चे कैसा खिदमत कर रहे। सगे मामों की खिदमत नहीं करते आजकल भांजे, जो ये लोग कर रहे हैं। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। बस फिर निकालो 10,000 रुपए निकाल के रखो उसकी हथेली पे। क्यों? क्यों क्या भाई, बड़ा सा ऐसा ऊंचा पूरा बकरा सदका करना है नहीं? अल्लाह का नाम लेके, गरीबों की दुआएं लेके शुरू करेंगे ना जी माइयों। और मैं देखो कितना अच्छा करी माइयों, निकाह एक ही दिन में रख दी। क्या बात है आपकी। आप ना निकाह के वक्त अच्छी शेरवानी लाए नहीं, वो पहन लेना जो दूल्हा दूल्हा लगना ना। आप फिक्र ही ना करो, काली हरी गर्दन चिक्कर मैल के बत्तियां उतर रही जी। बत्तियां उतार, हाँ तो देव 10,000 कहाँ है? अरे असद से मंगवा लूंगा ना। असद का नाम कहीं को ले रहे, असद को भिनक नक को पढ़ने दो, सारी शादी की इंचार्ज मैं हूँ। हाँ। तो चुपचाप निकाल के पैसे उसकी हथेली पे रखो, अगर उनको इतना ख्याल होता तो अब तक बकरे सबके कराते, आपका हाल पूछते, आपकी मदद करते। हम लोग कर रहे सब, फिर असद असद डाली कैसे मुँह सुझा लेके फिर रहा असद है क्या? ये बात तो आपने सही बोली, वो दोनों के दोनों ना लिए दिए फिर रहे मुझसे दूर दूर, जैसे मैं खा जाऊंगा उन्हें। तो असद बहुत घाटा है जी, बिल्कुल खुश नहीं है। कितना लगाओ जरा, कितना लगाओ ना, ये लगाना ये देख, सारा लगा देते हैं। चलो तुम लोग लगाओ, मैं जाके बस रे मुंह पे भी लगा। अरे मैं जाके ना जाहिदा की खबर लेती हूँ, उसका मेकअप हो रहा था।
मेहंदी लग गई नहीं, सब जाके देखते हूँ। तुम लोग का रुकना नहीं, हाथ में आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ अभी, ठीक है? यही हाथों में सब लग गया जी। चेहरे पे क्या, ये बनियान पे लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। ये इतनी देर से आए हो तुम? जी वो ट्रॉली के तैयार होने में थोड़ी सी देर हो गई। ट्रॉली को तैयार होने में टाइम लग गया? अबे शादी तुम्हारे बाप की है, उपकल तुम्हारे बाप के लगाई जा रही है, ज्यादा तैयार हो रही है दुल्हन बनने के लिए आए, और ट्रॉली मेकअप कर रही है, अपना सज रही है, बन रही है। ये नहीं है कि अब्बा के आगे उपकल में कोई हाथ बटा दे। मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहां से। मैं जानता हूं ये दोनों खुश नहीं है मेरी शादी से, समझे? सब समझता हूं इनकी चालें। शादी हो जाने दो एक बार बेटा, फिर देखना कैसा तिकनी का नाच नचवाऊंगा इनको इंशाल्लाह। देखो भाई रजमा की मेहनत से ये दिन आया है ना, माशाल्लाह। वो मीठा करेंगे अपन, इसको खिलाते हैं। चल खामोशी है, हाथ से खिलाऊंगी। डॉली हम लोग का रस्म कर दी, आओ तुम। डॉली कैसा बैठे हुए तुम अलग कट के सबसे, आओ इधर। हाँ आओ, मम्मी का मुंह मीठा करो ना। हाँ अचो अचो। अरे क्या हो गया नजमा आंटी को, अच्छी लगू उनकी एहसास की रस्म करती हूँ। आओ बोल रही हूँ मैं, आओ। कोई बात नहीं ना, जल्दी से जाके लौटा के आ जाओ। जी आई, लो मुंह मीठा कराओ उनका। बिस्मिल्लाह, मुबारक मुबारक। तो फिर एक काम कर, तू जाकर उसे बुला। अरे ऐसे अच्छा नहीं लगता, हम सब यहाँ पर हैं, वो अकेली कमरे में बैठी है, जाना जाके बुला के ला। मैंने देना, वो ऐसी ही हो गई है, कहीं दिल नहीं लगता, बस चिल्ड्रन वार्ड में उसका दिल लगा रहता है, बस छोड़ दे, नहीं आना चाहती ना। अरे आसिम फुप्पी की शादी हो रही है, जरा नाचो गाओ, ऐसा कैसा सन्नाटा हुआ है, आओ ओ मिस राबिया के साथ नाचो जी। बिस्मिल्लाह मुबारक मुबारक। अरे आसिम कहाँ अलग खड़े जी, फुप्पी की शादी हो रही है, जरा नाचो गाओ, ऐसा कैसा सन्नाटा हुआ है, आओ ओ मिस राबिया के साथ नाचो जी।
जाओ जी, लेकर आओ, दूल्हा को लेके आओ, अंदर इंतजार हो रहा ना, जाओ जाओ, बोल रही मैं, जाओ। अरे भाई नजमा, क्या हो गया तुम्हें? अभी निकाह तो नहीं हुआ, बहुत मायूब लगता है लड़के लड़कियों के साथ बिठाना। बब्बन खाला, जाने तो जी पुराने बाता, आजकल सब दुल्हना ऐसा बैठ के इंजॉय करते जी। छोड़ो तुम भी, तुम पर नए जमाने के साथ चलना अपन। आ जाओ बुला के लाओ। डाली तुम भी कुछ करो ना, इन लोगों का कितना अच्छा डांस करे। हाँ अरे इशरत की ढोलकी में कितना अच्छा डांस करी थी डाली। आ जाओ जी। असद मियाँ आप भी आओ जी। असद, कमर असद भाई आ जाए। असद आए ना, आप देख रहे हैं ना भाईजान कि ये आपका समधी कैसे आपके इकलौते बहनोई के साथ जबान दराजी कर रहा है। किस टाइप की औरत है? जबान दराज औरत है, है? इन दोनों की लड़ाई होती होगी तो पूरा मोहल्ला खुलता होगा। आओ, सही बोल रहे हैं आप। बदतमीज औरत, क्या कहना है? अरे चुप कर जा, खत्म शोर, तू तो खुद खत्म हुआ है। ये दर्द रोज की तरह। ताली बजाओ। कैंसर डायग्नोज हो गया। प्लीज ये बुझा हुआ चेहरा नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे। और आप देखिए, मुझसे अच्छा इंसान मिल जाएगा। I'm sorry. अब वो इस दुनिया में नहीं रहे।
बिल्लू जी अबू बेटा यहाँ बैठी है तो कमरे में जब बाहर चल देख कैसी रौनक है, सब इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं मुझे यहीं रहने दे, भीड़ में ना मेरा बस दम घुटता है। अच्छा डांस किया तूने? वैसे डोली तेरी सांस तो बड़ी मार रही है, कैसे खुल के नाच रही थी ना? अरे भाई नजमा आंटी की दरियाफ्त है, अब कोई ना कोई तो होनी थी। वैसे ना मुझे हैरत तो अबू पर हो रही है, सब के अबू पर। वैसे तो बड़ा दर्द देते फिरते हैं, खुद की बीवी नाच रही है और तालियां बजाई जा रही है। अरे नहीं तू बाहर निकल तो सही, देख सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। मुझे नहीं जाना, ये जो ढोल की आवाज है ना मेरे कानों में हथौड़ों की तरह लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा सर फट जाएगा, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाने दे, मुझे नहीं जाना। कैसी तकरीब हो रही है यहाँ पे? देख ले रुकिया, ये इज्जत है तेरी भाई के घर में, और इधर खुशी के शादियां नहीं बज रहे और तुम्हें किसी ने पूछा तक नहीं। अरे रुकिया वहाँ क्यों खड़ी, आओ ना बैठो। ये क्या हो रहा है भाभी जान घर में? अरे भाई कुछ नहीं, वो नजमा है ना, उन्होंने ज्यादा के लिए जगह रखा था, फिर कहने छोटी मोटी माइयों कर लेते। ये तो भाभी जान हम भाई चांस इधर आ गए, हमें तो पता ही नहीं था, आपने तो हमें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया, पूछा तक नहीं हमें। बब्बन खाला मैं आपको मना कर रही थी, नहीं लोगों को नहीं बुलाओ, किसी को तो बुलाओ इनको नहीं बुला लो। और मुन्ना और पापा आप जो है ना ज्यादा यहाँ शोर मचाने की जरूरत नहीं है आपको। बात सुनो हैदराबाद, तुम्हें किसने कहा है कि इधर कौन बुलाएगा और कौन नहीं बुलाएगा? बशारत भाई का घर है, हम जब चाहे आए जब चाहे जाए, तू कौन होती है बीच में? बशारत खालू का है ये घर, मगर ये जो तकरीब है ना उनकी नहीं है, पूछ लो बब्बन खाला से। ये मेरी बहन जाहिदा की तकरीब हो रही, उसका फंक्शन है, हाँ इस वास्ते हम लोग आए यहाँ। मेरी मर्जी भाई, मैं किसको तो बुलाऊँ किसको तो भी नहीं बुलाऊँ। देख लिया भाभी जान आपने इसकी चलाकियाँ, उसको बहन बना लिया, इसकी बहन कब आएगी? देखो मुन्ना पापा, बात को बढ़ा के ना एकदम तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। आप जो है ना डाली के ससुर को बिल्कुल जहर लगते, जहर से भी बदतर लगते जीनो। याद है आपको डाली के ससुराल में जाके क्या तमाशा किया था? ये आदमी ऐसी आग लगाया था कि उन्होंने घर भिजवा दिए थे, भूल गए आप ये बात? बता दो इनको, मैं आपको बता रही हूँ, इनको ले आके अलग कमरे में बिठाओ, खाना भेज दो बेशक, मगर जरा गोटियाँ कम डालना, गोश्त कम पड़ जाएगा। बैठो आप लोग। अरे देख रही है इसके तेवर कैसे गई है ये? देखो रुको, तुम्हें तो डॉली के ससुर का पता है ना, वो वाकई में मुनव्वर को बिल्कुल नापसंद करते हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि कोई अनबन हो। अब जो कुछ भी होगा ना वो बाद में देखा जाएगा, तुम लोग चलो ड्राइंग रूम में बैठो। बस आप हमेशा ऐसे करती हैं भाभी जान। देखो गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, खुशी का मौका है, आप लोग चले मैं भी आती हूँ। चलो भाभी जान, इस बागड़ बिल्ले से तुम्हें निपट लो, और ये जो गई है ना हैदराबाद बहुत सर पे चढ़ा है। छोड़ो हैदराबाद को, अच्छा ठीक है हम अंदर बैठ रहे हैं, बस ठीक है चलो जी।
एक मिनट मिल गया। क्या कर रहे हो तुम? मैं अपनी सेल्फी ले रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओगे इस पिक्चर आई है तुम्हारी? लड़कों का फोन नहीं चेक करते थे। अच्छा, और लड़के लड़कियों के परमिशन के बगैर उनकी तस्वीरें ले सकते हैं, वो ठीक है? एक पिक्चर ही ली है। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। तू ऐसी बात बताओ, मुझे पता ना। नखरे देखो जरा, चुड़ैल लग रही हो तुम। अच्छा, चुड़ैल लग रही, तो मेरी तस्वीरें क्यों ले रहे थे तुम? ताकि अगर कोई बच्चा रो रहा हो तो उसे तुम्हारी तस्वीर दिखा के चुप करा सकूं कि चुप चुप कर दिया वरना चुड़ैल आ जाएगी। सो जा, चुप कर जा, इसलिए। कितनी जोर से नोचा यार। पर अगर ज्यादा बकवास की ना तो काट भी लूंगा इनका। याला कैसे खून खुआर लड़की से मेरा पाला पड़ा है। टू मच। हाँ तो अभी कौन सी देर हुई है? मुसराती खड़ी है ना, उनके साथ हमारी बात कर सकते हैं। वो तलाश कर रही है एक लड़का को। वासिफ के साथ अच्छी लगती है। आते भाई, आफरीन है तुम्हारी परजाई पर। अब मुझे कहती है उधर जाकर बैठे ड्राइंग रूम में, और हम भी ऐसे कि आ गए इधर। भाई वो तो मेरे सामने हाथ पांव जोड़ रही है, कह रही थी कि पहले भी डॉली के ससुर का और मुनव्वर का झगड़ा हुआ था। अल्लाह जाने डॉली के ससुर के दुम पे कौन सा पांव रख दिया था तुमने। ओए वो डॉली का ससुर है ही बागड़ बिल्ला, मैंने उसकी दुम पे क्या पांव रखना। झगड़ा किया था मैंने इन्हीं की बेटी डोली की खातर, लेकिन रुकैया नेकी का तो जमाना ही नहीं है। बस मैं तो कहती हूँ कासिम के डैडी छोड़े, दफा करें, चलें घर चलते हैं। बस किधर घर चलते हैं, बात को समझा कर। खुशबू नहीं आ रही बिरयानी की? बिरयानी खा के जाएंगे। कैसी बातें करती हो, बैठो, रोटी खा के जाएंगे। एक तो तुम्हारी इज्जत और गैरत खाने के सामने बिल्कुल ढेर हो जाती है। ओए कोई ढेर छेर नहीं होती, बात को समझा करो। बंदा रोटी खा के खाना खा के ताकतवर हो जाता है, ताकत आ जाती है उसमें, और वो फिर दुनिया का मुकाबला अच्छी तरह कर सकता है। तुम देखना मैं रोटी खा के कैसे इनके दिमाग ठीक करता हूँ। अरे किस किस का दिमाग ठीक करोगे तुम? सारी जिंदगी हो गई है तुम्हें लोगों का दिमाग ठीक करते हुए, पर दिमाग ना लोगों के ठीक हुए। बस रहने दो। ओए छोड़ो सबको, मैंने इस पगड़ बिल्ले को नहीं छोड़ा। खा नहीं रहे ठीक तरह। वो बेचारा भाई, दरअसल हकीम साहब ने कहा था निकाह के बाद खाना हल्के खाना। अच्छा हल्का खाए, मगर इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही ना। बिल्ला क्या बात है बिरयानी, बहुत मजे के माशाल्लाह। हाँ बेचारा भाई, ये जो हमारी बहन बनी है नजमा, नजमा भाई बहुत ही हीरा है। मैं तो कहता हूँ बस बहुत ही जन्नत है। अगर ये ना होता ना तो आज ये निकाह नहीं होता, ये शादी नहीं होती, ये तकरीब नहीं होती, ये गहमा गहमी नहीं होती। नहीं नहीं, ख्याल तो आपका असद भी बहुत रखता है। अरे खाक फिक्र करता है, फिक्र की होती तो पहले ही हो जाता ये काम। सलाम अलैकुम। वालेकुम। वालेकुम। अब क्या बचपने में शादी करवाई है आपने इनकी? भाई जान शादी मुबारक हो। बड़ी छोटी उम्र ब्याह करा लिया जी। वैसे बशारत भाई,
एक बात है, ये आपका जो समधी है ना, किस्मत का बड़ा तेज है भाई। इस उम्र में बशारत भाई लोगों को कफन पहनाया जाता है, इन्होंने शेरवानी पहन ली और लोगों के स्वयं का खाना होता है, इनकी बारात का खाना चल रहा है। अरे बशारत भाई, इंसान का मुंह टेढ़ा हो मगर बात तो सीधी करे। आए हाय हाय हाय, बशारत भाई क्या सच्ची बात की है इन्होंने अपने लिए भाई, सच की फितरत पाई है। हाँ है, है सच्चाई मेरी फितरत में, तभी तो बोल रहा हूँ। खबीस आदमी खबीस रूह खबीस तेरा बहन। ओए भाई जान बात सुनो, ये बशारत भाई देख भी रहे हैं तुझे और सुन भी रहे हैं जो जो मुंह से तुम बोल रहे हो, और सर भी पीट रहे हैं अपना कि किसके घर अपनी बेटी दे दी। अरे हमारी बेटी का जीना आराम कर दिया तुम, क्या कर रहे हो बोलो, कुछ लिहाज करो। और क्या लिहाज करूं भाईजान, इस बुड्ढे को आपने सर पे चढ़ाया हुआ है और ये आपके सर पर नाच रहा है। ये जो आप बात बोल रहे हैं ना लिहाज की, कोई शरीफ आदमी होता तो लिहाज करता, मुरव्वत करता। इस आदमी की आंख में लिहाज कहां से आएगा, जंगली जानवर का बाल है इसकी आंख में। ये देखो गुफ्तगू सुनो इसकी। अरे भाई बहुत हो गई, क्या कर रहे हो तुम, जरा आराम से बोलो। बताओ चश्मा लगा के आ गया कि हम देख ना सके इसका बाल, एक एक दाना देख देख के खा रहा है ये। अरे खुशबू तो अच्छी थी पर बिरयानी बिल्कुल ही ठूस है। ठूस है, ठूस ले आया था ठूस। क्या हो गया, जरा संभाली अपने आप। मैं तो संभला हुआ हूँ, आया उसको बुलाया, मुझे ये बताएं इसको बुलाया किसने है। बताएं किसने बुलाया। आते जो है भरे दूध में मैंगनियां डाल दिए ये लोग। क्या गर्मा गर्मी क्यों हो रही है भाई ये सब। नजमा बहन, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि ये शख्स शादी में नहीं आना चाहिए, ये आया और इसने रंग में भंग डाला। सही बोल रहे आप। अबे चल, मेरा अपना घर है, मैं क्यों नहीं आऊंगा। अरे तो थोड़ा यार तुम भी लिहाज कर लो, थोड़ा सा लिहाज करूं। इसको सर पे चढ़ाया हुआ है आपने, आपके सर पे नाच रहा है ये। आप देख रहे हैं ना भाईजान कि ये आपका समधी कैसे आपके इकलौते बहनोई के साथ जबान दराजी कर रहा है। किस टाइप की औरत है, जबान दराज औरत है। हाँ? इन दोनों की लड़ाई होती होगी तो पूरा मोहल्ला खुलता होगा। सही बोल रहे आप। अरे चुप कर जा, खत्म शोर, तू तो खुद खत्म हुआ है। तू अभी खत्म शोर तमाम से। अरे क्या बदतमीजी हो रही है, है? क्या बदतमीजी है? ये पकड़े नजमा बहन, आप तो मेरी अपनी है ना। क्या बदतमीजी, क्या हो गया? अब समझ में आ गया मुझे आपका सारा प्लान। क्या आपने इन दोनों को बुलाया मेरी बेइज्जती अपने घर में करवाने के लिए, ये था आपका प्लान। देखा तुम्हारी वजह से उन्हें हत्या से उकर गए, तुम यही चाहते थे ना, कुछ कर दिए। अरे चल चल, तेरे तो मैं मोहिनी लग रही, अपनी दुल्हन उठाओ निकलो यहाँ से। चलो यार, वो मेरा खून है, कैसी बातें कर रहा है। खून है अबे जा निकल भाई, ये मेरा, चल निकलो यहाँ से। रोज की तरह बिखर रहे हैं रोज शब, हवा में रेत की तरह। ये पहले थे न इस तरह, जो दर्द है नई तरह। क्यों सो रही है जिंदगी, क्यों अजनबी है जिंदगी, करार ही नहीं मिला हमें कहीं किसी तरह।